हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू एज वीडियो। जी प्यारे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फिलोकिनो के ऊपर। हम देखने की कोशिश करेंगे भाई फिलोकिनो की दुनिया में क्या क्या अपडेट्स देखने को मिले, किस तरह हमारा जो फिलोकिनो वो मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि रिसेंटली बहुत सारी जो मजेदार सी अपडेट्स हमें देखने को मिली, स्पेशली जो बाइनेंस यूएस के साथ जो लिस्टिंग की बात है तो वो भी करेंगे। तो इट मीन की ओवरऑल सारी की सारी जो बातें हैं वो फिलोकिनो को लेकर ही करने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि मैं फिलोकिनो की वीडियो की तरफ मूव करूँ, अपने टॉपिक की तरफ मूव करूँ, रिक्वेस्ट हुआ कि आप लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो भाई, जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब के बटन को दबाएं, साथ में बेल के आइकन को दबाएं, ताकि फ्लोकिन हो, इशू इन हो, या लवली इन हो, या कोई भी कॉइन उसके रिलेटेड कोई भी अपडेट हो, कोई भी न्यूज़ कंटेंट वगैरह कुछ भी निकल के आए, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे, आप उन सारी चीज़ों को मिस ना कर सके। सो यहाँ पे विदाउट इन्वेस्टिंग इन टाइम बात करेंगे हम फिलोकिनो की। तो पहले हम देख रहे थे फिलोकिनो के करंट हालात, 112 नंबर पे ये रैंक कर रहा है 0.40, उसके बाद 3606 इसकी करंट प्राइस है, फिर 24 घंटों में 3.4% जो है बढ़ चुका है, और 36.7% BTC के पेयर के हिसाब से, 37.7% जो है ईथर के पेयर के हिसाब से हमें ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं पर अगर हम देखें तो ये अपने ऑल टाइम हाई से 88.45% जो है वो एक डाउन ट्रेंड की तरफ भी हमें जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका जो वॉल्यूम है वो अपने ऑल टाइम हाई से तकरीबन 88% डाउन है। वैसे हमने देखा कि भाई 65% का इसने एनुअली गेन दिलाया, उसके बाद 30 दिनों में 9.7%, 14 दिनों में 11% और 7 दिनों में 2.9% जो हमें गेन ऑलरेडी फिलोकिनो हमें दिला चुका है। वहीं पर अगर हम देखते चले फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स के ऊपर अगर नजर डालते चले, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 53 स्कोर के साथ जो मार्केट है वो आज हमें न्यूट्रल में देखने को मिली है, जो कल भी 53 स्कोर के साथ न्यूट्रल थी, लास्ट वीक 58 स्कोर के साथ हमें ग्रीन में देखने को मिली थी, और लास्ट मंथ की बात करें तो हमें 64 स्कोर के साथ जो मार्केट थी वो एक ग्रीडी कंडीशन में देखने को मिली। तो ये ओवरऑल हमारे जो है वो मार्केट के हालात हैं। अब इन्हीं हालात को मद्देनजर देखते हुए हम बात करेंगे फिलोकिनो के ऊपर, मजीद जानने की कोशिश करेंगे क्या ये चीज़ें देखने को मिल रही है। तो इससे पहले कि आप लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई, जल्दी जल्दी जाके मेरा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पे जो क्रिप्टो के रिलेटेड गिव अवेज होते हैं, एयरड्रॉप्स होते हैं, या कंटेंट वगैरह कुछ भी निकल के आता है, वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उन सारी चीज़ों को मिस ना कर सके। तो उसकी जो मैं टेलीग्राम के चैनल की जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि भाई मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, आपको जब भी जहाँ भी पैसा लगाना है अपनी मर्जी से अपनी बेस पर रिसर्च करके लगाना। तो यहाँ पर अगर हम देखते चलेंगे भाई फिलोकिनो में क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, तो भाई फिलोकिनो भाई काफ़ी एक अच्छा मूव कर रहा है। रिसेंटली हमने ये देखा कि भाई फिलोकिनो जो है फाइनली ऑफिशियली जो है लाइव हो चुका है, जो बाइनेंस यूएसडी बिल्कुल यूनाइटेड स्टेट के अंदर जो बाइनेंस है उसके साथ हमें ये तकरीबन लाइव होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि बाइनेंस के अभी मेन एक्सचेंज पे ये अभी लाइव नहीं हुआ है जो दूसरे कंट्रीज में, लेकिन यूएस के अंदर जो है फिलोकिनो फाइनली जो है वो लाइव हो चुका है, जिसके डिपॉजिट है, ट्रेडिंग वगैरह सारा सब कुछ है वो खोल दिया गया है। वहीं पर अगर हम देखें तो भाई ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है फिलोकिनो के लिए, कि भाई फिलोकिनो का जो है इतनी बड़ी एक्सचेंज पे लिस्ट होना। वहीं पे हमने देखा कि फिलोकिनो इज़ करंटली 18th मोस्ट ट्रेडेड क्रिप्टो इन द वर्ल्ड इन द लास्ट 24 आवर्स विद द ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑफ 185.7 मिलियन। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो 18 नंबर पे जो तकरीबन 18 नंबर पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रेड किए जाने वाली जो पिछले 24 घंटों में जो क्रिप्टो है, तो उस लिस्ट में हमें जो है फ्लोकी देखने को मिला। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हमें देखने को मिला। उसके बाद फ्लोकी जो है ट्रेंडिंग में भी हमें देखने को मिला, आरबीएम के साथ, बाइनेंस के साथ, हमें इसके साथ ये तकरीबन टॉप में जो है फ्लोकिनो हमें एक ट्रेंडिंग कंडीशन में भी देखने को मिला। अब क्या है जो फ्लोकी है जो फाइनली जो डोज और शिबा इनू का जो ट्रेलॉजी है उस लिस्ट में भी हमने देखा कि भाई फ्लोकी आ चुका है। उसके बाद जो लूनर क्रेश की तरफ से जो ज़्यादा से ज़्यादा सोशल इंगेजमेंट के हिसाब से जो नंबर वन पे जो इसने फिलोकिनो को जो है वो रैंक कर लिया, तो ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हमें देखने को मिला फिलोकिनो का। उसके साथ हमने देखा कि भाई बड़ी बड़ी एक्सचेंज पे हर जगह पे जो फिलोकिनो हमें एक टॉप नंबर पे देखने को मिला, बिकॉज ऑफ जो बाइनेंस यूएस ने उसको लिस्ट किया। अब बात निकल के थी कि भाई 0.001 डॉलर, जी बिल्कुल, कब तक ये चांसेस है। तो भाई देखो अभी जो है फिलोकिनो सिर्फ यूनाइटेड स्टेट के अंदर जो बाइनेंस है उस पर लिस्ट हुआ है, लेकिन अभी जो है उसको बाइनेंस के मेन एक्सचेंज पे लिस्ट होना है, और भी बहुत सारी एक्सचेंजेस हैं जहाँ पे अभी फिलोकिनो को लिस्ट होना है। लेकिन अभी जो कम कह रहे हैं कि 0.01 तक भी जाने के लिए फिलोकिनो को काफ़ी टाइम लग सकता है, मे भी जो है इस साल वो ना भी हो इस पोजिशन तक, तकरीबन आने वाले 1-2 साल में मुझे जो उम्मीद है वो फिलोकिनो तकरीबन 0.01 डॉलर तक जा सकता है। तो आपको मुझसे मैं ज़रूर बताएं कि आप फिलोकिनो के बारे में क्या सोचते हैं। मुझे भी देखिए छोटी सी वीडियो थी लेकिन आपको पसंद आई होगी, और आप लोगों ने तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। तो मैं फिर मिलूंगा आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको अपना ख्याल रखना है। प्लीज़, थैंक यू।